तो चलो आज हम बनाते हैं ढोकला, वो भी विदाउट स्टीमर, वो भी पैन पे, पैन ढोकला। लोग जैसे पैन केक बनाते हैं, मैं वैसे पैन ढोकला बनाने वाली हूँ। तो मैंने एक बाउल में पहले बेसन ले लिया है, उसके बाद उसमें थोड़ा सूजी ऐड किया है, फिर नमक, फिर थोड़ा शुगर, फिर मैंने उसे अच्छे से मिला लिया है। मतलब पहले वो जब पाउडरी हो तभी उसे अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद इसमें वो जो बॉल्स हैं ना छोटे छोटे, उसे आप स्पून से अच्छे से फोड़ लें, वरना आप चाहें ना तो इसे स्टेनर से पहले स्टेन कर सकते हैं, उसके बाद ही आप ऐसे करना। मैं भूल गई थी, मतलब मैं जल्दी में थी इसलिए मैंने ऐसे ही बना डाला। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा दही डाला, मतलब थोड़ा ही डालना, 2-3 चम्मच। उसके बाद फिर पानी, फिर उसे अच्छे से मिक्स करना। फिर देखो ये हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है, बट इसमें थोड़ा पानी चाहिए। पानी पता है क्या, इसमें ना बहुत संभल संभल कर डालना, मतलब इसके नाम में बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना होता है। तो बस ये ठीक है, अभी जितना दिख रहा है ना हमें टेक्सचर उतना ही रखना है, क्योंकि इसमें सूजी है जो कि फूलने वाली थोड़ी देर के बाद। जैसे देखिए अभी अब 10 मिनट के बाद सूजी, ये देखो बैटर थोड़ा गाढ़ा हो चुका है ना। अब हम इसमें हल्का सा पानी डालना है बिल्कुल, जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा हल्दी ऐड कर दिया है। उसके बाद अब इसमें इनो डालना है। मैं पता है स्पून से मेज़र करके डाल देती, बट आप ऐसा मत करना, आप एक पैकेट पूरा इनो डाल देना, तभी ये अच्छे से फ्लफ़ी फ्लफ़ी होगा। ऐसे मेरा वाला भी फ्लफ़ी हुआ था। अभी मैंने एक पैन लिया है जिस पे मैंने ऑयल डाल दिया, फिर अब ऑयल गर्म हो रही है, हो गया बस। उसके बाद इसमें हम बैटर डालने वाले हैं। ये गया हमारा बैटर, ये पता है बहुत ही अच्छा बना था। ये देखो क्या मस्त फ्लफ़ी फ्लफ़ी हुआ, और साइड साइड में बहुत ही अच्छा ब्राउन ब्राउन क्रिस्पी क्रिस्पी, ये काफ़ी जूसी भी बना था। अब ये बना रही हूँ मैं तड़का इसका, टेम्परिंग। ये हमारा, ये गया हमारा मस्टर्ड सीड्स, फिर ये मेरे गार्डन की बहुत ही तीखी रेड चिली, फिर आएगा करी लीव्स, फिर बस ये बनने वाला है। मैं इसमें डालूँगी पानी, मैं पता है बहुत डर रही थी डालने में। हाँ बस ये गया। उसके बाद हम इसमें वही शुगर एंड सॉल्ट ऐड करेंगे, फिर लेमन। बस हमारा बन गया ये टेम्परिंग, ये पता है बहुत ही अच्छा था। आप ट्राई करना और बताना, वैसे आप कौन से ढोकले बनाते हो वो भी मुझे कमेंट करके बताना। और फिर मैंने सूजी वाला भी बनाया था, आप उसे ज़रूर देखना, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है। ये देखो ये कितना सुंदर लग रहा है, आप बताना कि मैं नेक्स्ट क्या बनाऊँ इन कमेंट्स। ये देखिए ये कितना स्पॉन्जी है, ये देखो पीछे ब्राउन काफ़ी ये दिख रहा है ना, काफ़ी फ्लफी सा, ये कितना सुंदर है। थैंक यू।